हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर एच चैनल। तो भाई लोग आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। और जो भाई चैनल पे नहीं जाने को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो भाई लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके सभी को चेकआउट कर लेना। और भाई पिछली वीडियो में देखा था भाई फंस चुकी थी ट्रॉली, तो भाई अभी तक नहीं निकली है इस यार जगह ना बैठ गई है भाई। पहले लेवल थी जब ट्रैक्टर निकाला था तो ठीक थी, जब ट्रॉली का टायर आया ना तो भाई मिट्टी इकट्ठी हो गई और बैठ गई और हिस्सा ना ट्रॉली का नीचे लग चुका है। और प्रॉब्लम भाई अब एक नहीं है, अब ये है कि ट्रैक्टर चल भी नहीं रहा ना आगे। ये देखो भाई झटके मार के एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, क्या पता भाई निकली जाए। तो मिट्टी भाई गिरा दे, मैं सोच रहा हूँ नहीं 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 भाई थोड़ी सी मिट्टी गिरा ही देते हैं, जरूरत भी है ही है, यहाँ पे डलेगी ही। तो सफाई नहीं बनी पूरी भाई रोड की। चलो ओ देखो भाई मिट्टी वो गिर रही है सामने, तो ये चक्कर है भाई, इसलिए नहीं मैं गिरा रहा हूँ यहाँ पे। चलेगी ट्रॉली, ओए ओए हाई लगाएंगे भाई, हाई में तोड़ा ही नहीं है ट्रैक्टर का। टोचन डालना ही पड़ेगा भाई क्योंकि ट्रॉली है जो बैठ चुकी है। मैं काफ़र हाँ मेरी गलती, मैं मर जाऊँ मैं मर जाऊँ, या तू मिल जाए या मौत मिल जाए, मैं मरता हूँ मैं मरता हूँ। भाई निकल जाए यार, भाई टॉर्च नहीं बहुत डाल लेते हैं यार, टॉर्च नहीं डालना पड़ेगा। स्किप ची हुक है भाई, है तो है वैसे, लगेगा नहीं। देखते हैं यार क्या बनता है भाई, वो खींचना तो पड़ेगा ही। टेस्टिंग के चक्कर में फंसा दिया यार, ट्रॉली का टायर बैठ चुका है ना इसलिए भाई पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है वो। टॉर्चन की तो भाई एक ही मार है, खींच के बाहर निकाल देंगे दो मिनट में, पता नहीं इसके साथ लगे लग तो हो चुका है पर भाई वो लगा ही कुछ कहीं और है। चल ये कि ट्रैक्टर उठेगा नहीं आगे से, मैं मानता हूँ उसका गियर ही भाई रिवर्स में है। सही है भाई, चल 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 सही निकल 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 निकल। आ गया भाई उसका टायर नीचे, मार मार झटका, निकल गया निकल गया निकल गया और निकल गया। भाई टोचन ना ऐसा करते हैं ना, रखी रखी लेते हैं, जरूरत तो पड़ती रहती है। तो यहाँ पे खोल देते हैं भाई इसको, शुक्र है शुक्र है शुक्र है निकल चुकी है भाई ट्रॉली। हम भाई सेटिंग करनी पड़ेगी यार, मैंने सोचा था कि यार बन जाएगी बात। भाई एक ढेर उधर लग गया मिट्टी का, मशीन कहाँ गई, मशीन के बिना काम नहीं होगा कोई भी भाई मुझे लग रहा है। तो भाई लोडर ऐसा करते हैं ना, यार मेरे ख्याल से तो
कंट्रोल भी भाई, पोजीशन कैसे चेंज होगी इसकी? लोअर एच कंट्रोल एक्स वाइड चेन ट्रैक्शन शिफ्ट वी, हाँ सही है। तो भाई अब थोड़ा सा उल्टा चलेगी मशीन। तो देखते हैं भाई, बाकी चेक लगा लें भाई इसके अपने से चलती है कि नहीं। और भाई फ्रंट लोडर नीचे कर लें मशीन हवा में। न्यूट्रल नहीं होती यार ये। तेरे की भाई इसका बकेट ही नहीं भरा। भाई स्पीड कम ही रखते हैं यार, अपने को आ ही नहीं रही इसका बकेट चलाने नहीं आ रहा है। कावर हाँ मेरी गल भाई, एक मिनट इसके ना मैं हाइड्रोलिक उठा लूँ और थोड़ा सा ना इसको पीछे करूँ, काफ़ी दूर पड़ गया है। ओके रिपोर्ट। भाई यार इससे नहीं कोई बात बन रही है, माल ही नहीं उठा पा रही है बकेट ज़्यादा, तो उसको बंद ही कर लेते हैं यार, है ना। तू मिल जे मौत मिले मैं मंगता मैं मंगता हूँ। ये देखो भाई खड्डे खड्डे बन गए यहाँ पे। ये सही है, बाकी लाइटें लूटी तो है ना भाई इसकी। जेसीपी मुझे ऐसे लग रही है भाई, चलती सरकारी। सरकारी माल। या तू मिल जे या मौत मिले मैं मंगना है। और पिछली वाली बकेट में ना तो भाई 2% जो ना मिट्टी है मैंने खाली नहीं की अच्छे से, वो थोड़ी बहुत रह जाती है। बाकी भाई अब मुझे लग रहा है कि बन ही चुका है रोड अपना, हाईवे नेशनल NH। थोड़ा सा ना भाई इस पे ना हम मशीन को फेर लेते हैं ताकि बढ़िया से हो जाए, और फिर से ना ट्रॉली निकालेंगे भाई हम, फिर इसको इस ट्रॉली को हम भाई वो लेके आएंगे मिट्टी वगैरह, मिट्टी नहीं बजरी लेके आएंगे सॉरी। तो फिर निकालेंगे यहाँ से, निकलती है कि नहीं बैठेगी तो देखा जाएगा। वैसे है तो भाई अब क्या कह सकते हैं, चलती चाल बना दिया भाई हमने पुल सा। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, पानी जब आएगा तो भाई निकल नहीं पाएगा नीचे से, फिर खेतों में भाई ब्लॉक हो जाएगा, नाली नूली सब काम खराब हो जाएगा। तो मशीन तो फिलहाल खेत में ही लगेगी, अब इसका काम खेत में ही है। अब तो इसको भाई वहाँ पे खड़े कर देते हैं, और जो मिट्टी बच चुकी है भाई उसका क्या करें, तो उसको ना साइड में ढेर लगा देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो भाई उसको भी हम कर लेंगे जो भी है। पहले एक बार ना इसको निकाल लेते हैं ना, क्या पता निकल जाए वो।
लो भाई आराम से निकल गई। पर ये भाई इस कंट्रोल से बाहर चला गया। स्लिप मराएंगे तो भाई फिर खराब हो जाएगा रास्ता सारा। भाई देखो आराम से निकल जाएगा, डायरेक्ट कोई चक्कर वाली बात नहीं। ये देखो निकल गया ना, तो मिट्टी का ढेर ना भाई हम वापस ले चलते हैं ट्रॉली को और वहाँ पे लगा लेते हैं। हमने तो बस टेस्ट करनी थी कि चलती है कि नहीं। देख लिया भाई चलती है। मेरी गलती मन रहा या तू मिल गए या मौत मिले मंगदा हाँ मंगदा हाँ। भाई सही सलामत निकल रही है ट्रॉली एकदम खचा खच। सही 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 भाई ढेर लगा लेते हैं साइड में और लोड करके लाते हैं ट्रॉली को। और ये अपना ही खेत है भाई, जो तो पड़ने वाली है मिट्टी की वैसे भी हमें। यहाँ पे ढेर लगा देते हैं, खाली कर लेते हैं फटाफट इसको। जल्दी से क्रैशर से ना भाई माल उठा लाते हैं। तो लो भाई यहाँ पे आ गए थे और भाई हमने फुल लोड करवा ली ट्रॉली। और देख सकते हैं ट्रोला भी काफ़ी बड़ा है भाई, ऊपर तक माल लोड करवा लिया हमने। कहा भाई फुल कर दे तो फुल करवा दिया भाई। अब पता नहीं अब लेके चलेगा कि नहीं, ये खींचेगा कि नहीं, रब जाने भाई अब। तो चलो भाई ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं अब फटाफट। हाई का पहला गियर ना मिठिया ना 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 ना। लार हो गई भाई ट्रोली लार। पलट ना जाए भाई साहब। भाई ट्रॉली लार हो चुकी थी, उसको फिर से चला रहे हैं भाई। अब देखते हैं चढ़ती कि नहीं। अब भाई मीडियम का तीसरा, पिछली बार भी तीसरे में चढ़ाया था पर तीसरे में गेड़ा ही नहीं बन रहा है। देखो ये हाल तो होगी ट्रैक्टर की। यहाँ पे छोटा सा ट्रोलर चढ़ रहा है यार, इससे कमाल करता है यार ये भी। भाई यार चढ़ जा यार, तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है यार, इसलिए तुझे लेके आया हूँ मैं। ना भाई मोशन बना के चलाना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनी। कोई हाई हुई एयर डालो यार इसका, लो मीडियम में तो बात बनेगी नहीं इसकी। तीसरा हाई स्पीड तो ठीक बन चुकी है, ऊपर जाके गियर चेंज करना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। वो
ओए भाई तीसरे में ले गया। अब बात ये हुई ना बात, अब कमाल करता है 855। तीसरा मीडियम है भाई, तीसरे मीडियम में सही है, चाल भी और ढाल भी। लेगा छोटा भाई, जोर है इसमें। वेट भी यहाँ पे हो जाता है इसका वैसे भाई, इसका ना चाल थोड़ी सी मटक मटक के चल रहा है, इसको धीरे कर ले। चाल मटक मटक है शेरा वर्गी। ओए 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 भाई, पता ही नहीं लगा कब कहाँ क्या हो गया, ट्रैक्टर कहाँ घुसा दिया मैंने। निकल जाना चाहिए, निकल गया। असली जोर तो परखा जाएगा भाई इसका। ओए भाई पलटने वाली थी ट्रोली, वो बच गया वो भाई साहब, शुक्र है। भाई ये रास्ता भी, एक मिनट यार मैं शॉर्टकट देखूं अपने घर को, रास्ता कोई यहाँ से जाता नहीं जाएगा भाई, ये तो फंस चुका है। हुआ क्या ये तो पता लगे, फंसा कैसे उसकी ऐसी की तैसी। भाई हाई डाल लें इसका गियर, अब तो सेट है तीसरा हाई। और ये टॉप, ओए ये देख लो भाई क्या होना स्टार्ट हो गया ट्रैक्टर को। पैंतीस की स्पीड है भाई, ऐसे तो करेगा ही। धीरे कर लें यार इसको, कोई पता नहीं कहाँ भाई इसका काम तमाम हो जाएगा। थोड़ा नहीं हो पा रहा खाना की चढ़ा, फेरा बहुत दूर तक पड़ जाता है यार, 5 लीटर तेल लग जाता है ट्रैक्टर का। मैं गलत आ गया भाई, गलत नहीं सही है, मैं सोचा भाई कोई रास्ता ही नहीं होगा आगे। यही है ना रास्ता अपना हाई पे, यहाँ पे ही है। एक मिनट यार किसका ये आ गया, ट्रोली तो हवा में लटकती जा रही है दोस्तों।
लेके ओ भाई ओ ओ ओ ओ बच गया, ब्रेक लगा ली टाइम से। आया ना भाई खींच के, शॉर्टकट मारो भाई शॉर्टकट, जिंदगी में शॉर्टकट मारना सीखो। निकल गया भाई, फाइनली निकाल ही दिया वैसे हमने तो गियर भाई, हमने अब मीडियम लगा लिया, हाई का पहले। दूसरा हाई असल तो पता लगेगा अब, अगर ट्रॉली बैठेगी तो देखा जाएगा। फट्टी हल्की सी उठा लेते हैं गियर, दूसरा मीडियम, दूसरे मीडियम में बाद नहीं मिलेगी, तीसरा यार। एक तो ट्रैक्टर आ गया भाई आगे, भाई किधर गया वो, निकाल दिया ना, देखो भाई आराम से। लेवल हो चुकी है भाई दो चार बार ना, इसको खाली भर के निकालते हैं, जैसे भाई अपना मिट्टी दब जाएगी फिर आराम से निकल जाएगी, थोड़ी जल्दी बैठेगी। नजर मिला ली यार, यहाँ पे रैंप बन चुका है, फंसी तो नहीं वैसे ट्रॉली, कह नहीं सकते फंसी, और फंसी जाएगी ऐसे मुझे लग रहा है वो। ना बेटा ना, ठीक है भाई वैसे एक बार और लास्ट बार निकाल लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए अपनी।
निकल गई, निकल गई आराम से, निकल रही है भाई, टोचन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई कर देते हैं खाली, और आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं भाई, और मिलते हैं कल नई वीडियो ले, तो ले जय हिंद, वंदे मातरम।